पंजाबी महासभा सोलन द्वारा एक परिवार के दो घायल सदस्यों के इलाज के लिए सहायता स्वरूप 51,550 रुपए का चेक भेंट किया गया। सभा की ओर से ये चेक टिल्लू देवी को भेंट किया गया। सभा के उपाध्यक्ष कमल बीज व वरिष्ठ सलाहकार भरत सानी एवं अमन सेठी ने पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान बताया कि इस राशि को बीते सप्ताह ठोडो मैदान में आयोजित साई संध्या में एकत्रित किया गया था। इस सहयोग राशि में सर्व सांझी गुरमत प्रचार कमेटी सोलन का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस दौरान दानवीर सज्जनों का धन्यवाद भी किया गया। पंजाबी महासभा के उपाध्यक्ष कमल बीज ने कहा कि यदि भविष्य में किसी जरूरतमंद को किसी भी प्रकार की जरूरत की आवश्यकता होगी तो वे पंजाबी महासभा सोलन से संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि पंजाबी महासभा समय समय पर सामाजिक उत्थान के लिए कार्य करती है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष नौणी की टिल्लू देवी का 18 वर्षीय बेटा बीते वर्ष सोलन के समीप अश्विनी खड्ड के पास एक कार हादसे में घायल हो गया था। इसके बाद उसके पति का एक्सीडेंट भी हो गया। आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के पास दोनों के इलाज के लिए कोई सहारा नहीं था। इसके चलते पंजाबी महासभा ने आगे आते हुए परिवार की सहायता की है। हमारे लिए फख्र की बात है कि पंजाबी महासभा सोलन ने जो कुछ लक्ष्य निर्धारित किए थे उस कसौटी पर लगातार काम करते हुए आज हमने जो पिछली साई संध्या में श्रीमती टिल्लू देवी जी के नाम पे उनके परिवार की सहायता के लिए कुछ डोनेशन इकट्ठी की थी वो आज उन्हें सौंप दी गई है, जिसकी राशि 51,550 रुपए बनी है। मैं समस्त सोलन वासियों से एक अपील करता हूँ, हमारी इस सोच को अपनी शक्ति, चाहे वो धन, चाहे वो मन या चाहे वो तन के सहयोग के रूप में लगातार दें, तो हमारा जो प्रयास है छोटी छोटी समस्याएं खत्म चाहे ना हो लेकिन किसी की समस्या का हल जो है वो भली भांति हो सकता है।